मुगलों में सबसे महान बादशाह माना जाता है अकबर को। उसकी धर्म से जुड़ी नीतियां हों या फिर साम्राज्य को बढ़ाने की पॉलिसीज, सब में उसकी तारीफ होती है। लेकिन एक ऐसा पहलू भी है अकबर का जो उसकी इमेज पर डेंट की तरह है। ये डेंट है उसकी सैकड़ों बीवियां जो कि उसके हरम में रहती थी। आज के इस वीडियो में आपको अकबर के हरम की कहानियां पता चलेंगी, साथ ही पता चलेगा कि हरम में होता क्या था और वहां की अंदरूनी दुनिया कैसी होती थी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अकबर जब पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने में लगा हुआ था, तब की बात है। एक दिन मथुरा के पास जंगलों में शिकार करते टाइम उसे दिल्ली में एक विद्रोह की खबर मिली। तुरंत वो दिल्ली के लिए निकला अपने लाव लश्कर के साथ। इस बीच वो आगरा में रुका कुछ दिनों के लिए और यहाँ कुछ वक्त बिताया। आगरा में रहते हुए ही अकबर को एक आइडिया आया कि लड़ाई करने से अच्छा है कि शादी की जाए और अच्छे संबंध बनाए जाए। इससे विद्रोह भी खत्म हो जाएगा और एक अच्छा रिलेशन एस्टेब्लिश होगा। अब्दुल कादिर बदाउनी जो अकबर के दरबार के लेखक थे, वो बताते हैं कि अकबर ने इसके लिए अपने सरदार शेख बादाह से डिस्कस किया। उनको भी ये आइडिया जच गया। फिर पूरे साम्राज्य में ढिंढोरा पिटवाया गया कि अकबर रईस व्यापारियों की बेटियों से शादी करके उनसे संबंध जोड़ना चाहते हैं। ये शहर के अमीरों के लिए परेशान करने वाली खबर थी, क्योंकि उन पर अब दबाव बढ़ गया था। अब जिन शेख बादाह को ये आइडिया सही लगा था, उन्हीं के साथ एक खेल भी हो गया। हुआ यह कि अकबर को शेख बादाह की बहू पसंद आ गई। उसने उसके लिए निकाह का पैगाम भिजवाया। बादाह का बेटा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन अकबर के सामने विद्रोह करने की हिम्मत नहीं थी उसकी। उस दौर में कानून था कि अगर बादशाह किसी महिला पर चाहत भरी नजर डाल दे तो उसके पति को तलाक देना पड़ता था। शेख के बेटे के मामले में भी यही हुआ। उसके बेटे ने पत्नी को तलाक दिया और वो दक्कन चला गया। इस तरह से वो लड़की अकबर के हरम में चली गई। हरम मुगल साम्राज्य की वो जगह थी जिसके बारे में आज भी कई अलग अलग ख्याल लोगों के बारे में रहते हैं। इसलिए आइए आज मैं आपको बताता हूं कि हरम के अंदर की दुनिया कैसी होती थी और आखिर हरम का मतलब क्या होता है। हरम एक अरबी वर्ड है। इसका मतलब है वो जगह जहां हर कोई नहीं जा सकता, एक तरह से प्रोहिबिटेड एरिया है। आगे चलकर इस वर्ड को औरतों के कमरों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। वैसे अगर बताऊं तो हरम का ये कॉन्सेप्ट कोई बाहर से नहीं आया है। पर्शियन में हरम के लिए जनाना, हिंदी में महल सरा और संस्कृत में इन जगह को अंतःपुर कहा जाता था। हरम महल का वो हिडन हिस्सा होता था जहां मुगल बादशाह अपनी सैकड़ों रानियों को साथ रखते थे। बादशाह चाहते थे कि हरम में उनकी औरतें सेफ रहें, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो पाता था। हरम की सच्चाई ये थी कि हरम में रहने वाली औरतें बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होती थी, उनके ऊपर हमेशा खतरा बना रहता था। यहाँ रहने वाली ज़्यादातर महिलाएं जिंदगी भर खुशी खुशी रह लें, ये चीज़ बहुत कम हो पाती थी। इसकी वजह भी थी, हरम में रहने वाली कई औरतों की लाइफ बस तब तक अच्छी थी जब तक वो राजा को खुश कर पाती थी। उसके बाद उन्हें हरम से बाहर कर दिया जाता था या फिर हरम में ही बहुत निचले दर्जे में रखा जाता था। हालांकि ये डिटेल सुनकर कई लोग ये समझने लगते हैं कि हरम में सिर्फ वही महिलाएं रहती थी जो कि राजा कहीं से जीत कर या जबरदस्ती लाते थे, लेकिन ये भी पूरी तरह से सच नहीं था। एक हरम में हजारों औरतें होती थी, क्योंकि इसमें कई महिलाओं के अलग अलग काम हुआ करते थे। हरम में बादशाह के अलावा या उनकी इजाजत के अलावा कोई और मर्द नहीं घुस सकता था, इसलिए हरम के सारे कामकाज का जिम्मा यहाँ पर रहने वाली औरतें उठाती थी। जैसे कि यहाँ दासियां होती थी, डांसर्स होती थी, रखेलों के साथ साथ किन्नरों को भी रखा जाता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि हरम में ही मुगलों की सबसे इंपॉर्टेंट महिलाएं भी रहती थी, जैसे कि बादशाह की बेगम, माँ और बहनें। अकबर की सबसे खास 35 बेगमें थीं, जिसमें से वो सबसे ज्यादा 3 बेगमों के साथ रहा था। मुगल हरम का ये कॉन्सेप्ट जो था वो अकबर ने शुरू किया था, और फिर मुगल सल्तनत के खत्म होने तक बहादुर शाह जफर के टाइम तक हरम का ये कॉन्सेप्ट चलता रहा, यानी करीब 300 सालों तक। इस दौरान अकबर के काल में हरम बहुत सुंदर माने जाते थे। ये खूबसूरती पीक पर पहुंची जहांगीर के टाइम पर, और आगे चलकर इसका भयंकर डिक्लाइन हुआ औरंगजेब के टाइम पर, क्योंकि वो धार्मिक रूप से बहुत कट्टर था और इन सबसे ज्यादा उसे मतलब होता नहीं था। औरंगजेब के बाद से हरम की खूबसूरती धीरे धीरे धूल खाती गई और हरम अय्याशी का अड्डा बनकर रह गया। इस दौरान हरम में रहने वाली महिलाओं के लिए हरम एक सोने का पिंजरा था जहां सुविधाएं कई थी लेकिन आज़ादी नहीं थी। ज्यादा आज़ादी ना देने की वजह यह भी थी कि बादशाह को डर होता था कि कहीं ये दासियां, ये महिलाएं उनके खिलाफ विद्रोह ना कर दें या फिर कहीं अपने प्रेमियों को हरम में ना बुला लें और सैनिकों के साथ ही संबंध ना बना लें।
इसलिए ही ना सिर्फ आजादी पर पाबंदी लगाई गई बल्कि इनकी सिक्योरिटी के लिए किन्नरों की एक फौज भी रखी गई ताकि किन्नर महिलाओं के साथ संबंध ना बना सके, यानी कि पुरुषों की एंट्री बिल्कुल रोकी गई। यहां तक कि कई बार ऐसा भी हुआ कि जब राजा ने चुपके चुपके हरम में रेड डाली और जब उन्होंने कुछ महिलाओं को उनके आशिकों के साथ पकड़ लिया तो उसके बाद बादशाह ने सबको मरवा दिया। खैर, बहादुर शाह जफर के साथ ही मुगल साम्राज्य भी खत्म हो गया और ये हरम भी खत्म हो गए। अब्दुल कादिर बदाउनी लिखते हैं कि अकबर के हरम में 5000 औरतें थीं और इन 5000 औरतों से अलग उसकी अपनी पत्नियां भी थीं। हालांकि जहांगीर के काल से कुछ अलग बातें पता चलती हैं। इस काल के दस्तावेजों में पता चलता है कि अकबर की सिर्फ 35 पत्नियां थीं और ये भी कि उसकी 3 मेन पत्नियां थीं। इसमें मुगल साम्राज्य की महारानी रुकैया सुल्तान, महारानी हीरा कुंवर और सलीमा सुल्तान शामिल थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी मुगल हरम की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।